दोस्तों, मैं हूं राज पोडेल। आज मैं बताने जा रहा हूं कि होटल लेवल कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। हम लोग होटल लेवल को कंट्रोल कैसे करते हैं और होटल लेवल क्या है, किस टरबाइन में होटल लेवल बनता है और होटल लेवल कहाँ जाता है, मतलब होटल लेवल के बारे में एक बेसिक नॉलेज लेंगे दोस्तों, एक सामान्य ज्ञान होटल लेवल से रिलेटेड। जैसे होटल लेवल क्या होता है, कंडेंसिंग टरबाइन क्या है, सीपी क्या है, रिसर्कुलेशन वाल्व या रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व क्या होता है, डेरिएटर क्या होता है, ये सब के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। मतलब बहुत बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों मैं आज होटल लेवल से रिलेटेड, कि होटल लेवल क्या होता है, होटल लेवल कहाँ जाता है, होटल लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, होटल लेवल क्यों मेंटेन करते हैं, इस सभी टॉपिक में हम लोग एक सामान्य जानकारी लेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा, क्योंकि मैं पावर प्लांट से रिलेटेड नए नए टॉपिक में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। होटल लेवल कंट्रोल सिस्टम इन कंडेंसिंग टरबाइन। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में होटल लेवल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। आज हम सीखेंगे कि कंडेंसिंग टरबाइन में होटल लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि होटल लेवल के बारे में, एक नॉर्मल चीज़, इजी चीज़, एक नॉर्मली मतलब सामान्य ज्ञान में देने वाला हूँ बेसिक नॉलेज। सभी प्रक्रिया और पावर प्लांट ऑपरेशन के दौरान होने वाली समस्या से बचने के लिए सभी पैरामीटर निगरानी और नियंत्रण की आवश्यक होती है। लेकिन जो भी मैन्युअली रूप में फोर्सेस पैरामीटर को कंट्रोल करते या निगरानी करते रहना वो संभव नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि दोस्तों, आजकल औद्योगिक संचालन टेक्नोलॉजी ने DCS व स्काडा सिस्टम प्रयोग करके उपकरण को निरंतर रूप में निगरानी या कंट्रोलिंग या ट्रैकिंग किया जाता है। प्रोसेस पैरामीटर में हॉटवेल भी आता है दोस्तों। जो हॉटवेल है ये भी एक अपना प्रोसेस पैरामीटर है, जिसको हम लोग DCS का माध्यम से आवश्यक सिस्टम लगा के कंट्रोल करके रखते हैं हॉटवेल लेवल को। लेवल कंट्रोलिंग सिस्टम जानने से पहले हॉटवेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जैसे पहला टॉपिक है कि होटवेल, होटवेल क्या होता है। दूसरा में है कंडेंसिंग टरबाइन, मतलब कंडेंसिंग टरबाइन क्या होता है। तीसरा नंबर में रीसर्कुलेशन एंड मेन कंट्रोल वाल्व, जो होटवेल मेंटेन करने के लिए सीपी डिस्चार्ज में रीसर्कुलेशन और मेन कंट्रोल वाल्व लगता है, उसका क्या काम है। चौथा नंबर में सीईपी, सीईपी क्या है। और डीरेटर, मतलब डीरेटर क्या है। डीरेटर भी एक होटल लेवल से रिलेटेड ही है, क्योंकि होटल लेवल डीरेटर में जाता है। तो हम लोग इसमें बेसिक चीज़ जानेंगे कि डीरेटर क्या है। छः नंबर में है दोस्तों मेंटेन द होटल लेवल थ्रू DCS, मतलब होटल लेवल को DCS से कैसे मेंटेन किया जाता है। और आठ नंबर में है व्हाट हैपन इफ द होटल लेवल वेरीज, मतलब होटल लेवल में उतर चढ़ा पाएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और नौ नंबर में होटल लेवल मेंटेन करने का फ़ायदा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसी टॉपिक के आधार में दोस्तों शॉर्टकट रूप में डिस्कशन करते जाएंगे हम लोग। पहला टॉपिक था होटल लेवल। अब हम लोग जानेंगे कि होटल लेवल क्या है। होटल लेवल का मतलब होता है दोस्तों गर्म कुआ। होटल लेवल एक टैंक या जलाशय है जिसमें कम प्रेशर वाली स्टीम व कंडेंसेड वाटर एकत्र, मतलब कंडेंसेड वाटर को एकत्रित किया जाता है, जिसको बॉयलर में फीड वाटर के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है। कंडेंसिंग टरबाइन में हॉटवेल को कंडेंस के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ स्टीम कंडेंस होकर रहता है, जिसको हॉटवेल कहते हैं। ये पावर प्लांट में सबसे आवश्यक एक्सिलरी सिस्टम से एक है। दूसरे नंबर में था दोस्तों कंडेंसिंग टरबाइन। बेसिक जानकारी देंगे कि कंडेंसिंग टरबाइन क्या है, क्योंकि कंडेंसिंग टरबाइन रहेगा तभी अपना हॉटवेल बनता है। कंडेंसिंग टरबाइन एक ऐसा टरबाइन है जिसमें LP टरबाइन या LP स्टेज, लो प्रेशर स्टेज कंडेंसर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लो प्रेशर स्टीम कंडेंस करने के लिए। कंडेंसिंग टरबाइन मैक्सिमम पावर जनरेशन करता है और प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कंडेंसिंग टरबाइन इनलेट स्टीम फ्लो की टोटल एनर्जी मैक्सिमम सीमा तक उपयोग करने में सक्षम होता है, मतलब दोस्तों कंडेंसिंग टरबाइन का एफिशिएंसी मैक्सिमम रहता है, क्योंकि वो अपना पूरा स्टीम का यूटिलाइज वो करता है। तीन नंबर में था दोस्तों रीसर्कुलेशन या मेन कंट्रोल वाल्व, RCV या MCV। RCV का मतलब है रीसर्कुलेशन वाल्व या मेन कंट्रोल वाल्व का उपयोग मिनिमम वाटर फ्लो के साथ हॉटवेल में वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए किया जाता है। RCV मिनिमम फ्लो मेंटेन करके पंप को ओवररेटिंग और
कैविटेशन होने से बचाता है। मेन कंट्रोल वाल्व में जब हार्टवेल लेवल ज़्यादा जाएगा सेट पॉइंट से, तो मेन कंट्रोल वाल्व ओपन होकर हार्टवेल लेवल को डिस्चार्ज करता है बाहर डिरेटर में। चार नंबर में दोस्तों कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप या CEP। CEP ने टैंक या कंडेंसर से कंडेंसेट वाटर को इजेक्टर और GVC के माध्यम से डिरेटर में वाटर ट्रांसफर करता है। CEP हार्टवेल लेवल को GVC और इजेक्टर होते हुए डिरेटर तक पहुँचाता है। फिर उसके बाद जो हार्टवेल लेवल हो वो फीड वाटर के रूप में यूज किया जाता है। CEP का काम हार्टवेल लेवल डिरेटर तक पहुँचाना है। CEP हार्टवेल से नीचे या हार्टवेल का या कंडेंसर से गड्ढा में उसको CEP को स्थापित किया जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मेंटेन करने के लिए। पाँच नंबर में है दोस्तों डिरेटर। पावर प्लांट में डिरेटर एक एक्सिलरी यूनिट है जिसने फीड वाटर से एक्सिस ऑक्सीजन और नन कंडेंसेड या नन कंडेंसेबल गैसेस रिमूव करने के लिए काम करता है। प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी डिरेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। डिरेक्टर क्या करता है दोस्तों, हार्टवेल भी या कंडेंसेड वाटर भी डिरेक्टर में जाके स्टोरेज होके रहता है, जहाँ पर ऑक्सीजन और नॉन कंडेंसेबल गैसेस रिमूव होके फिर वो फीड वाटर के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। डिरेक्टर एक वाटर स्टोरेज टैंक है। हार्टवेल लेवल का प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों कंडेंसिंग टर्बाइन मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप करके पावर इंक्रीज करता है। हार्टवेल लेवल क्या था दोस्तों, एक कंडेंसिंग टर्बाइन में ही हार्टवेल लेवल रहता है, इसलिए कंडेंसिंग टर्बाइन मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप करके पावर इंक्रीज करता है। लो प्रेशर वाले टर्बाइन ब्लेड्स डैमेज से बचाता है। कंडेंसेड वाटर लेवल के आधार पर मेकअप या ड्रेन और इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी मेकअप संचालन करके हार्टवेल लेवल नॉर्मल कर सकते हैं दोस्तों, या हार्टवेल लेवल नॉर्मल रख सकते हैं। कंडेंसिंग टर्बाइन की एफिशिएंसी कंडेंसिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया वैक्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है दोस्तों। जो कंडेंसर में वैक्यूम बनाते हैं उसके साथ में कंडेंसिंग टर्बाइन का एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तथा भट्टी में फ्यूल जलाकर इसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। बॉयलर में उत्पन्न स्टीम टर्बाइन में एक्सपांड किया जाता है। टर्बाइन में थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जो टर्बाइन ब्लेड को रोटेट करता है। टर्बाइन रोटेट करने के बाद बचा हुआ स्टीम कंडेंसर में जाकर कंडेंसेट बनकर रहता है जिसको हार्टवेल लेवल या हार्टवेल कहते हैं। हार्टवेल लेवल कंट्रोल सिस्टम में रिसर्कुलेशन एंड मेन कंट्रोल वाल्व संचालन करके हार्टवेल लेवल मेंटेन करते हैं, जिसके लिए दोस्तों हार्टवेल लेवल मेंटेन करने के लिए P&I कंट्रोलर का यूज होता है, प्रेशर एंड करंट कंट्रोलर। हार्टवेल लेवल्स लेवल ट्रांसमीटर से मापन किया जाता है। हार्टवेल लेवल मेजर के लिए 3 लेवल ट्रांसमीटर का यूज किया जाता है। लेवल कंट्रोल कंट्रोलर के लिए 2003 लॉजिक यूज किया जाता है। 4 to 20 mA DC करंट सिग्नल LT में रहता है दोस्तों। जो लेवल ट्रांसमीटर है उसमें 4 to 20 mA DC करंट का सिग्नल रहता है, DC करंट का सप्लाई रहता है। लेवल ट्रांसमीटर ने मेजर किया गया वैल्यू को PI कन्वर्टर या PI कंट्रोलर को सेंड करता है और PI कंट्रोलर मेजर वैल्यू को हार्टवेल लेवल सेट पॉइंट के आधार पर PI कंट्रोलर हार्टवेल लेवल मेंटेन रखने के लिए कंट्रोल वाल्व को RCB या मेन कंट्रोल वाल्व को प्रोपोर्शनल सिग्नल सेंड करता है। हार्टवेल लेवल CEP के साथ इंटरलॉक्स रहता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर मैंने हार्टवेल लेवल का सेट पॉइंट मैक्सिमम कितना जाएगा तो दोनों CEP चलेगा, और मिनिमम कितना आएगा तो दोनों CEP बंद होगा। इसके साथ में हार्टवेल के साथ में CEP का इंटरलॉक रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए हार्टवेल लेवल 70% में CEP स्टार्ट होना, अगर हार्टवेल लेवल 70% से पार हुआ तो दोनों CEP चालू होना एक इंटरलॉक है, और हार्टवेल लेवल 60% से नीचे आया तो दोनों CEP बंद होना भी एक इंटरलॉक है। 60 से नीचे 40, 50, 20 जितना भी आ सकता है, मतलब हर कंपनी में हर कंडेंसर या हर CEP और हर प्लांट का डिजाइनिंग के अनुरूप इंटरलॉक रहता है। अभी हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे कि दोस्तों हार्टवेल लेवल को DCS से कैसे मेंटेन करते हैं। जो हम लोग DCS में हार्टवेल लेवल का सेट पॉइंट देते हैं वो कंट्रोल वाल्व के साथ में कैसे काम करके हार्टवेल लेवल को मेंटेन करता है, इसके बारे में छोटकर में जानकारी लेंगे। DCS सेट पॉइंट आउटपुट
जो हम लोग डीसीएस में सेट पॉइंट देते हैं उसका आउटपुट आईपी कन्वर्टर में भेजा जाता है, जहां से कंट्रोल ईयर व इंस्ट्रूमेंट ईयर को स्प्लिट रेंज मोड ऑफ कंट्रोल से फिट किया जाता है। यदि हार्डवेयर लेवल सेट पॉइंट से कम या अधिक है तो संबंधित त्रुटि संकेत पीआई कन्वर्टर के माध्यम से कंट्रोल वाल्व को भेजा जाता है। उसके लिए दोस्तों दो कंट्रोल वाल्व हार्डवेयर लेवल मेंटेन करने के लिए प्रदान किया जाता है, एक आरसीवी एक एमसीवी, रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व जो एयर टू ओपन रहता है, मेन कंट्रोल वाल्व जो एयर टू क्लोज रहता है। यही दो कंट्रोल वाल्व में हम लोग ने जो सेट पॉइंट दिया था वो आईपी कन्वर्टर जाएगा, और आईपी कन्वर्टर इंस्ट्रूमेंट ईयर से क्या करेगा दोस्तों, स्प्लिट रेंज मोड ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम में फिट किया जाता है, और जिससे हार्डवेयर लेवल कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होता है। ये बेसिक चीज था दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे हार्डवेयर लेवल ऑपरेशन मतलब हार्डवेयर लेवल ऑपरेशन क्या है, हार्डवेयर लेवल का ऑपरेशन कैसे करते हैं। बेसिक जानकारी बताता हूँ। मेन स्टीम टर्बाइन के विभिन्न स्टेज पासिंग होने के बाद टर्बाइन के लो प्रेशर साइड से कंडेंसर में जाती है। स्टीम का डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है और कंडेंसर में कंडेंस होकर कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाता है। लो प्रेशर स्टीम को हार्डवेयर में सक करने के लिए कंडेंसर में -0.70 kg/cm² to -0.90 kg/cm² का वैक्यूम प्रेशर बनाया जाता है। उसके बाद स्टीम आसानी से कंडेंसर तक पहुंच जाता है। स्टीम को कंडेंस करने के लिए कूलिंग टावर का कूलिंग वाटर कंडेंसर का हॉरिजॉन्टल ट्यूब होकर पास करवाया जाता है, जिससे एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर हीट एक्सचेंज होकर कंडेंस होकर हार्डवेयर में इकट्ठा होकर रहता है। हार्डवेयर लेवल वेरी होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं दोस्तों। पावर प्लांट सेफ ऑपरेशन के लिए हार्डवेयर लेवल 60% तक मेंटेन करके रखना चाहिए। यदि हार्डवेयर लेवल 60% से कम हो जाता है तो वैक्यूम लेवल इंक्रीज हो जाता है कंडेंसर में, जिससे एलपी टर्बाइन ब्लेड्स स्टीम के साथ में वैक्यूम प्रेशर द्वारा सक्ड किया जाता है और सीपी अपना सक्शन प्रेशर छोड़ देता है, जिससे कैविटेटिंग करना शुरू कर देता है। यदि हार्डवेयर लेवल 60% से ज़्यादा हो जाता है तो वैक्यूम लॉसेस होकर एग्जॉस्ट प्रेशर हाई हो जाता है, जिससे हार्डवेयर लेवल लो प्रेशर ब्लेड तक पहुँच सकता है, जो रोटर ब्लेड के लिए बहुत नुकसानदायक है। हार्डवेयर लेवल मेंटेन रखने से दोस्तों हम लोग सीपी में एनपीएसएच प्रदान करता है। अगर हार्डवेयर लेवल लो होगा तो सीपी में सक्शन प्रेशर नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता है दोस्तों, सीपी कैविटेटिंग करना शुरू कर देता है। लो प्रेशर स्टीम से वाटर ड्रॉप्स ऑब्जर्व करता है दोस्तों, मतलब क्या है दोस्तों, हार्डवेयर लेवल हम लोग मेंटेन करके रखेंगे तो हार्डवेयर लेवल क्या करेगा, लो प्रेशर स्टीम का वाटर ड्रॉप को ऑब्जर्व करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। कमेंट कीजिएगा, मैं इसी बीच में स्पेशल एक एक टॉपिक करके डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहेगा।